Hello everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss next topic and interesting topic, measuring human development. Previous जो क्लास थी बेटा उसके अंदर हमने जो डिस्कस किया था वो क्या था, ह्यूमन डेवलपमेंट के अप्रोच, कि अप्रोच क्या है ह्यूमन डेवलपमेंट के, ये सारी जो चीज़ें हैं वो पिछले वीडियो के अंदर डिस्कस की थी. और इसके अंदर हम जो डिस्कस करेंगे कि हम ह्यूमन डेवलपमेंट को कैसे मेजर करें, या कौन कौन से जो सोर्स होते हैं उनके द्वारा हम ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर करते हैं. आपने पढ़ा होगा कि हेल्थ के बारे में, एजुकेशन के बारे में, और एक्सेस टू रिसोर्स की जो संसाधन है वहाँ तक की जो लोगों की जो पहुँच होती है, तो ये जो सारी जो चीज़ें मिलके हमें ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर करने में काफ़ी हेल्प करती हैं. और केवल हम तीन ही जो फैक्टर हैं वो डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ. चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बेटा. HDI बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन द एरिया, जो HDI है, जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, वो तीन चीज़ों पे बेस करता है, ठीक है ना. क्या है? बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन द एरिया, एरिया की परफॉर्मेंस क्या है इन तीन सेक्टरों के अंदर, हेल्थ, एजुकेशन एंड एक्सेस टू रिसोर्स. इन तीन चीज़ों के अंदर उस रीजन की परफॉर्मेंस क्या है ये डिपेंड करता है. ये जो तीनों चीज़ें हैं वो हमें HDI के बारे में बताती हैं कि वहाँ का HDI कितना होगा. यदि तीनों चीज़ें अच्छी हैं, डेवलप हैं, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हमें हाई देखने को मिलेगा. यदि यही तीनों चीज़ें हमें लो देखने को मिलती है तो HDI ह्यूमन डेवलपमेंट है वो हमें कम देखने को मिलेगा. क्लियर बात है बेटा. चलिए अब आगे इनको बारी बारी से भी डिस्कस करेंगे कि ये होते क्या है. इसकी जो रैंकिंग की जाती है वो 0 से लेकर 1 के बीच में की जाती है. 0 से लेकर 1 के बीच में. स्कोर मींस 1 इज मींस का मतलब होता है कि लेवल है वो हाई है, ग्रेटर है. जो स्कोर 1 का मतलब होता है जो ग्रेटर लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, इसका जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो काफ़ी हाई होगा. जिसका स्कोर 1 के पास होगा या 1 होगा, वहाँ पे ये जो तीनों जो चीज़ें हैं वो हमें ज़्यादा डेवलप देखने को मिलेंगे. स्कोर 0.985 मींस वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट, एंड स्कोर 0.268 मींस वेरी लो डेवलपमेंट. यदि देखिए 1 के पास, यदि जो देश 1 की संख्या के पास होंगे तो वहाँ पे जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा. और जो देश 0 के आसपास है तो उनका जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो हमें कम देखने को मिलेगा बेटा. क्लियर है यहाँ से. चलिए अब बात करते हैं, ये जो पॉइंट है हमारे इनको डिस्कस करते हैं. पहला आता है एजुकेशन. एजुकेशन के अंदर क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ रेट, कि जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बर्थ रेट के समय कितनी है. तो एक सबसे मेन है हेल्थ के अंदर कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, कि किसी भी देश की यदि लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है लोगों की वो ज़्यादा है तो वहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट है वो हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा. देखिए इट्स मीन्स ग्रेटर च्वाइसेस, उनके पास ज़्यादा जो च्वाइसेस होंगे ऑफ लिविंग लॉन्गर. यदि वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटी हैं वो ज़्यादा होंगे तो उनके पास ग्रेटर च्वाइस, ज़्यादा जो च्वाइस हैं वो होंगी ऑफ लिविंग लॉन्गर, अपने जीवन को लंबा जीने के लिए काफ़ी ज़्यादा उनके पास सुविधाएं अवेलेबल होंगी एंड हेल्थी लाइफ. देखिए जब हेल्थ फैसिलिटी इम्प्रूव होगी तो लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा साधन होंगे अपनी लाइफ को वो लंबा कैसे जिए और कैसे एक स्वस्थ जीवन व्यतीत करें, ये सारी जो चीज़ें हैं वो बताई गई हैं. आगे क्या बताया गया है, हायर द लाइफ एक्सपेक्टेंसी, किसी देश के अंदर जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो ज़्यादा मिलती है, हायर मिलती है, तो वहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट है वो भी हमें हायर देखने को मिलेगा. देखिए यहाँ पे मेन मतलब यहाँ पे ये है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी के साथ एक हेल्दी लाइफ है वो भी जीनी चाहिए, या वो भी साथ में इसके इंक्लूड होनी चाहिए बेटा. एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करना, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बर्थ रेट, सपोज कर लीजिए किसी देश के अंदर जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो बर्थ रेट है वो 25 है और एक देश के अंदर है 85, तो डेवलपमेंट किस देश के अंदर देखने को मिलेगी, वो हमें देखने को मिलेगी जो सेकंड है 85 ईयर वाले में,
क्यों? क्योंकि यहाँ की जो लोगों की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है वो ज़्यादा है कंपैरिजन ए के, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मेडिकल जो फैसिलिटी है वो ज़्यादा अवेलेबल है, एक अच्छी प्रोवाइड है वो है हमारे पास। दूसरी चीज़ आती है एजुकेशन या एक्सेस टू नॉलेज, शिक्षा। देखिए शिक्षा किस प्रकार से हमारे जो ह्यूमन डेवलपमेंट है उनको, जो हमारे जो ह्यूमन डेवलपमेंट है उसमें एक इम्पोर्टेंट रोल है, वो कैसे अदा करती है, या हम एजुकेशन के द्वारा कैसे मेजर करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट को। मींस अडल्ट लिटरेसी, एजुकेशन के अंदर हम दो चीज़ें लेते हैं, एक तो लेते हैं अडल्ट लिटरेसी एंड ग्रॉस इनरोलमेंट। जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो है ये लिया जाता है कि कितने बच्चों पर जो जिनकी एज है वो पढ़ने लायक है, वो मतलब वो स्कूल में जाने के लायक है और वो स्कूल में नहीं जा रहे। देखिए 100 बच्चे हैं, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा यहीं पे एक मिनट। 100 बच्चे हैं जिनकी आयु पढ़ने के लायक हो चुकी है और इनमें से केवल 80 बच्चों का ही जो एडमिशन है वो हुआ, स्कूल में जो नाम है वो लिखे गए हैं, और 20 का कोई नाम नहीं लिखा गया है, स्कूल के अंदर कोई एडमिशन है वो नहीं हुआ किसी के अंदर। तो इनका जो रेशियो है वो हमें बताता है कि देश के अंदर कितनी लिटरेसी रेट है। जैसे इफ़ एनी कंट्री हैव लार्ज नंबर ऑफ अडल्ट हु आर एबल, जो एबल हैं, एबल टू राइट एंड रीड। देखिए किसी देश के अंदर लार्ज नंबर, एक बड़ी संख्या में अडल्ट हैं वो पढ़े लिखे हैं, एंड लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन इनरोल्ड इन द स्कूल टू बी प्लेस्ड। यदि किसी भी देश के अंदर, देखिए दो चीज़ें याद रखना, किसी भी देश के अंदर लिटरेसी अडल्ट लिटरेसी रेट ज़्यादा है और ग्रॉस जो इनरोलमेंट है ये जो संख्या है ये दोनों ज़्यादा हैं, तो उस देश में जो डेवलपमेंट है वो हमें देखने को मिलेगा। देखिए जब बच्चे पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक आपको पता है कि आगे जैसे जैसे जनरेशन बढ़ेगी तो वैसे वैसे धीरे धीरे अडल्ट लिटरेसी रेट है वो भी इंक्रीज होगी, या उसमें भी जो इम्प्रूवमेंट है वो आएगा। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि दो चीज़ों पर फोकस होता है इसमें एजुकेशन में, एक तो अडल्ट लिटरेसी रेट वहाँ की यदि ज़्यादा है तो वो देश डेवलप है, मतलब कहने का मतलब है वहाँ की जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो हमें ज़्यादा देखने को मिलता है, और जो ग्रॉस इनरोलमेंट है बच्चे स्कूल ज़्यादा जाते हैं तो इससे भी पता चलता है कि वहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, हायर डेवलपमेंट है वो देखने को मिलता है, चाहे वो कोई भी कंट्री हो। एक्सेस टू रिसोर्स, एक्सेस टू रिसोर्स के अंदर क्या होता है कि हमारी संसाधनों तक पहुँच कैसी है। देखिए यदि हमारे पास कोई भी संसाधन नहीं है, पर हमारे पास जो परचेजिंग मतलब कोई भी संसाधन नहीं है तो हम क्या करते हैं, दूसरे देशों से परचेज करते हैं, और हमारी परचेज करते हैं तो वो जो परचेज करते हैं तो वो करते हैं डॉलर के अंदर, परचेजिंग पावर इन डॉलर यूएसए, जो यूएसए का जो डॉलर होता है उसके अंदर हम परचेज करते हैं और अपना जो डेवलपमेंट है वो करते हैं। देखिए यहाँ पे समझाने का मतलब ये है लोगों को, आप लोगों का मेरा, कि जो संसाधनों तक जो पहुँच है हमारी, या जो हमारे पास संसाधन नहीं है तो उनको हम परचेज करते हैं और कैसे उसका इस्तेमाल करते हैं, वो सारी जो चीज़ें हैं वो आती हैं हमारी एक्सेस टू रिसोर्स के अंदर, कि हमने उस चीज़ को खरीद तो लिया यूएस डॉलर में, परचेज तो कर लिया, पर हम उसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, कि हमसे उससे कुछ बेनिफिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो आती हैं हमारे एक्सेस टू रिसोर्स। जैसे हमने खरीद लिया, उससे क्या हमारी रियल जो जीडीपी है पर कैपिटा वो इंक्रीज हुई या नहीं हुई, ठीक है ना। वो इंक्रीज होगी तो सोच लीजिए वहाँ पे जो डेवलपमेंट है वो देखने को मिलेगा, यदि जीडीपी है वो इंक्रीज नहीं हुई तो हमें वहाँ पे जो डेवलपमेंट है वो देखने को नहीं मिलेगा। तो एक ह्यूमन पुअर्टी इंडेक्स है, ये भी एसडीआई का ही एक पार्ट है, एसडीआई का ही एक पार्ट है एचपीआई, ठीक है ना। एचपीआई इज़ बेटर, HPI इज़ बेटर देन HDI बिकॉज, देखिए एक पार्ट है HDI का ही HPI, अब ये इससे बेटर है, क्यों है? देखिए कुछ शॉर्टफॉल भी होते हैं, जैसे मैं बात करूँ HDI की, HDI क्या है, हमें सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें बताती है,
क्या है कि केवल हमें वहाँ उस रीजन की सिर्फ पॉजिटिव जो चीज़ें हैं वो बताती है, नेगेटिव चीज़ों के बारे में हमें नहीं बताती। ये इसका सबसे बड़ी शॉर्टफॉल है इस HDI की। तो इसकी जो कमी है वो बताती है हमें HPI, जो ह्यूमन पुअर्टी इंडेक्स है, ये हमें बताती है किसकी कमी, HDI की। क्या क्या, अडल्ट इलिटरेसी रेट। देख वो हमें केवल टोटल टोटल लिटरेसी रेट बताती है, हमें अडल्ट लिटरेसी रेट के बारे में नहीं बताती। तो पहली चीज़ तो यही है। दूसरी है अनेबल टू एक्सेस टू क्लीन वाटर, वो हमें ये बताती है कि हमने इतने लोगों तक जो क्लीन वाटर है वो प्रोवाइड करते हैं, पर ये नहीं बताते कि हम कितने लोगों को प्रोवाइड नहीं करते। ये जो बताती है वो बताती है हमें HPI, नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु आर अंडरवेट। जो HDI है वो हमें बताता है कि देश के अंदर बच्चे कितने हेल्दी हैं, हमारी मेडिकल फैसिलिटी है वो हमें बताती हैं कि देश कितना हेल्दी है, पर HPI हमें बताती है कि हमारे देश में कितनों को मेडिकल फैसिलिटी है वो अच्छे से अवेलेबल नहीं हो पा रही, कितने बच्चे किस किस बीमारी से किस किस डिजीज से प्रभावित हैं बेटा। और लास्ट आता है लॉ ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जो हमें देखिए जो HDI है वो हमें केवल क्या बताती है, वो केवल हमें जो बताती है वो बताती है लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है वो ज़्यादा है, इतने मतलब वो एक एवरेज बताती है कि सभी का ज़्यादा है। पर जो हमें HPI जो बताती है वो ये बताती है कि 40 से नीचे या 25 से नीचे इतने लोग साल भर में मर जाते हैं। तो ये सारी जो कमी है वो हमें बताती है HPI। इसलिए HPI इज़ द बेटर देन HDI बिकॉज सम फैक्टर। ठीक है ना बेटा, ये थे कुछ फैक्टर थे कि जिनकी वजह से हम बता सकते हैं कि HPI है वो बेटर देन है किससे, HDI से। चलिए बेटा ये कंप्लीट हुआ। अगला एक लास्ट टॉपिक बचा है हमारा, कंपैरिजन ऑफ इंटरनेशनल, उसको भी हम अगले वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। बस आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।